वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ हैप्पी होम। आज हम बनाएंगे आलू का सॉफ्ट बटाटा और खीरे का रायता। ये नवरात्रे में खाए जाते हैं। हमने आलू का लिए मैं से कद्दूकस किए और एक पैन में ऑयल डाला। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैं जीरा डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी ये नवरात्रि में बनाने वाला आलू बटाटा है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर मैश किए हुए आलू डाल दूंगी और आलू को अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया तो हमने एक बाउल में निकाल के इसे ठंडा करने रख दिया है। और एक बाउल में मैंने 2 चम्मच कुट्टू का आटा लिया है, उसके अंदर सेंधा नमक और काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा धनिया डाला है। आप इसे अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक इसका घोल बना लेंगे। ये देखिए, ये इसका घोल रेडी है। अब इसके अंदर जो हमने ये घोल रेडी है, अब हमने जो ठंडा करने के लिए आलू रखे हैं उनको हम देखते हैं कि वो ठंडे हो गए। अब ये ठंडे हो गए हैं। अब हाथ में ऑयल लगा के अब इसके हम गोल गोल बटाटा बना लेते हैं। गोल गोल बटाटा बना के सब इकट्ठे रख लेते हैं। और फिर जो हमने ये कुट्टू के आटे का घोल बनाया है उसे डिप करके इसे हम तलते हैं, डीप फ्राई करेंगे हम। चलिए, अब हम इनको सबको डीप फ्राई करते हैं। इसे हाथ से ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोल गोल बटाटा बनेंगे। ये देखिए, बटाटा क्रिस्पी हो रहे हैं और ये बटाटा नवरात्रि के बटाटा आलू के रेडी हैं। अब हम बनाएंगे रायता, घी का रायता। इसमें मैंने 1 कटोरी घी डाल दिया है, ऊपर से नमक, काली मिर्च और जीरा मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया, हरा धनिया जो सूखा जो होता है पत्ती वाला धनिया मिक्स कर लिया है। चलिए, हम खाते हैं नवरात्रि के फास्ट में बटाटा सॉफ्ट वड़ा और साथ में दही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये आलू सॉफ्ट बटाटा वड़ा और रायते की रेसिपी और भी रेसिपी। थैंक यू वेरी मच।